Next one, how to calling any function as a function chaining formats. First of all, what do you mean by function chaining? Function chaining means suppose that we are having any function as m1. Means, that means main functions ke andar maine call kiya as a m1 aur m1 ke andar again call kiya as a m2. M1 itself kisko call kara? M2 functions. And m2 itself call kara some another function like a something m3. इस टाइप के नेस्टेड फॉर्मेट को या मल्टीपल फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट को नेम दोगे जा फंक्शन चेनिंग स्टेटमेंट. चेनिंग इज मेन, मेन इटसेल्फ किसको कॉल करा m1, m1 कॉलिंग फॉर m2 और m2 इज विल बी कॉलिंग फॉर m3. लाइक फॉर एग्जांपल्स इस टाइप के केसेस भी आपको मोस्ट ऑफ केसेस में यूजफुल होंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी नंबर का एडिशन परफॉर्म कराना, वी वांट टू परफॉर्मिंग एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स को एडिशन, थ्री नंबर का एडिशन परफॉर्म कराने के लिए क्रिएट क्या करेंगे, सेपरेट फंक्शन एज एड. सिमिलरली अब मुझे परफॉर्म कराना है कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, तो थ्री नंबर का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स, देन ओनली एवरेज कैलकुलेट करना पॉसिबल है. इस केस में एवरेज फंक्शंस के अंदर रिक्वायर्ड क्या हुआ, एडिशन ऑफ थ्री नंबर. तो थ्री नंबर का एडिशन सेपरेटली परफॉर्म करा के एडिशन के प्लेस पर आप कॉल क्या कर सकते हो, एज अ एडिशन फंक्शंस लाइक दैट इनसाइड मेन. अगर मेन के अंदर मुझे किसी नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना, तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कॉल क्या करेंगे, सम फंक्शन है समथिंग एवरेज. मेन इटसेल्फ एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कॉल किसको हो रहा है, एवरेज फंक्शन. समथिंग वी आर सप्लाइंग नंबर्स आर 10, 20, 30. नेक्स्ट वन, एवरेज फंक्शन जब भी एवरेज कैलकुलेट करे तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए पर्टिकुलर फंक्शन इटसेल्फ कॉल किसको करेगा, सम एनदर असिस्टेंस असिस्टेंट फंक्शन एज एडिशन. इसे एडिशन को कैलकुलेट करेंगे, सेम नंबर सप्लाई कर देगा एज अ आर्ग्यूमेंट टू द एडिशंस. देन इस केस में आप शेयर हो, जब भी एडिशन फंक्शन कॉल होगा स्पेस पर रिटर्न क्या होगा, सम ऑफ थ्री नंबर्स मीन 60. देन जो भी सम आ रहा है, सम को आप डिवाइड किससे करा लोगे, टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स एज थ्री. मीन्स मेन फंक्शन किसको कॉल करा, डायरेक्टली एवरेज को. लेकिन एवरेज इटसेल्फ इनडायरेक्टली, डायरेक्टली किसको कॉल करेगा, एडिशन को. इनडायरेक्टली मेन के थ्रू भी इनडायरेक्टली कॉल किया रहा है एडिशन फंक्शन. इस टाइप का कोड राइट डाउन करेंगे, देन परफॉर्म करेंगे. मीन्स हाउ टू प्रोसेसिंग दिस फंक्शन, मीन्स इस टाइप के चेनिंग फॉर्मेट में फंक्शन किस टाइप से प्रोसेस होगा, हाउ टू प्रोसेसिंग सच टाइप ऑफ फंक्शन इन अ चेनिंग फॉर्मेट्स. फर्स्ट वन, वी आर प्रोवाइडिंग सम फंक्शन एज एडिशन. इस केस में अगर मुझे एडिशन के केस में थ्री नंबर का एडिशन परफॉर्म कराना है, तो उस केस में फंक्शंस के केस में पैरामीटर लिस्ट में फंक्शंस कितने, आर्गुमेंट कितने स्पेसिफाई करोगे, थ्री पैरामीटर्स लाइक अ इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई एंड इंटीजर जेड लाइक दैट. एडिशन परफॉर्म कराने के लिए यूज क्या करेंगे, इंटीजर रिजल्ट एंड रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. जनरली अगर इस केस में बात करें, मेरा मोटिव ये नहीं कि एडिशन फंक्शंस के थ्रू कैसे परफॉर्म करा हुआ है, एवरेज किस तरह से कैलकुलेट करूँ, इसे रियल प्रोसेस के थ्रू मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ फंक्शन चेनिंग स्टेटमेंट किस तरह से प्रोसेस. ये केस आपके लिए कई सारे केसेस में यूजफुल होंगे. सेम एज अगर मेन फंक्शंस के अंदर ये किसी पर्टिकुलर नंबर्स का एन और आर के रिस्पेक्ट में अगर परम्यूटेशंस कैलकुलेट करना है, तो परम्यूटेशंस के रिस्पेक्ट में मेन फंक्शन किसको कॉल करेगा, सम फंक्शन एज एन पी आर. लेकिन इस एन पी आर के अंदर अगेन आपको रिक्वायर्ड क्या हुआ, फैक्टोरियल ऑफ एन, फैक्टोरियल ऑफ आर. तो एन पी आर फंक्शन अगेन कॉल किसको करेगा, इंटरनली फैक्टोरियल, फॉर कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल ऑफ एन, फैक्टोरियल ऑफ आर लाइक दैट. सिमिलरली अगर मेन फंक्शंस के अंदर ये चेक करना, चेक द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट. तो पैलिंड्रोम के केस में मेन फंक्शन किसको कॉल कर सकता है, इंटरनली सम पैलिंड्रोम फंक्शंस. पैलिंड्रोम मींस अगर किसी भी नंबर्स के डिजिट्स रिवर्स ऑर्डर में सेम है, देन इस नंबर को कंसीडर करेंगे एज अ पैलिंड्रोम नंबर्स. तो पैलिंड्रोम नंबर या पैलिंड्रोम फंक्शन इटसेल्फ किसको यूज करेगा, एज अ रिवर्स फंक्शन. इस टाइप से चेनिंग फॉर्मेट में फंक्शंस को कॉल करना पॉसिबल है. इन दैट केस अगेन रीजन रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन फाइनली रिटर्निंग रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट. मीन्स जस्ट अभी इनिशियल लेवल है, इसलिए मैं सारे स्टेटमेंट वन बाई वन राइट डाउन करूँ. अदरवाइज इस केस में देखा जाए रिजल्ट के प्लेसिस पर
alternative statement write down करना पसंद directly as return x plus y plus z. It is also possible. Next things. इसके अलावा मैंने create किया another function as average. अगर average function create करोगे तो average के cases में inputs भी कितने required depend करेगा आप कितने numbers का average calculate करना चाहते हो. इस currently मैं 3 number का average calculate करना चाहता हूँ, इसलिए average के अंदर parameters कितने pass होंगे 3 plus 3 number का जब average calculate करें तो average किस form में आएगा. There may be chance of float. Means अगर numbers हैं आपके पास 15 प्लस 5 प्लस 7, इसका एडिशन क्या आएगा 27, 27 डिवाइड बाय 3, रिजल्ट क्या आ रहा है इसके, इसमें 9. बट सपोज दैट 7 के प्लेस पर मैंने यूज किया 8, देन इसका एडिशन क्या आएगा 28, 28 को 3 से डिवाइड करते हैं इसका रिजल्ट क्या है समथिंग 9 पॉइंट सम डिजिट्स 9.x समथिंग मींस डेसिमल. मींस देयर मे बी चांस ऑफ जनरेटिंग रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स, इसलिए इसका रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज अ. मींस रिटर्न क्या होगा, एवरेज. एवरेज का टाइप फ्लोट में आना पॉसिबल, इसलिए रिटर्न टाइप क्या यूज करोगे इसके, इसमें आइदर फ्लोट और डबल फ्लोट, देन फंक्शन नेम एज एवरेज. मींस फंक्शन का नेम क्या समझिए, शुड बी मीनिंगफुल और रीडेबल. मींस सेल्फ डिस्क्रिप्टिव नेम, इस फंक्शन नेम के बेसिस पर ही ऑब्जर्व करना पॉसिबल करंटली इस फंक्शन से किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म रहे हैं एवरेज. देन इसके इसमें इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, अगेन 3 इनपुट्स लाइक है इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई और इंटीजर जेड और मे बी पी क्यू आर एनी नेम्स. नेक्स्ट वन, जब ये एवरेज फंक्शंस कैलकुलेट करोगे तो एवरेज के केस में एक एक्स्ट्रा मीन्स रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, सम फ्लोट वेरिएबल एज रिजल्ट, देन रिजल्ट इक्वल्स टू, इस आपके पास टू केस हैं, या तो आप डायरेक्टली राइट डाउन क्या करो एक्स प्लस y plus z divided by 3. This is the first case. दूसरा केस, one more thing, मैं यहाँ consider कर रहा हूँ, मुझे integers का average calculate करना, इसलिए argument type integer use किया. अगर आप float type का average calculate करना चाहते हैं, then argument type क्या लोगे जा float. This is the first case. दूसरा case, same logics available किस place पर inside addition function. तो इस particular place पर function भी call करना possible. मीन्स अभी इस केस में आपको ऐसा लगे मीन्स डायरेक्टली एडिशन करना पॉसिबल था, फिर एडिशन फंक्शंस को सेपरेटली क्रिएट करने की नीड किया है. मीन्स सिंपली क्रिएटिंग मॉड्यूलर प्रोग्राम. मीन्स इस केस में लॉजिक्स काफ़ी स्मॉल है, बट सपोज दैट इन रियल केस अगर कोई भी ऑपरेशन लेंथी फॉर्म में राइट डाउन करना था, इस केस में फॉलो क्या करोगे सेम अप्रोच. मीन्स यहाँ एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू मैंने स्मॉल कोड यूज़ किया, अदरवाइज लेंथी कोड भी यूज़ करना पॉसिबल है. इस प्लेस पर सिंपली यूज क्या करो, मीन्स फंक्शंस को यूज करने का मीनिंग क्या था, अगर आप डायरेक्टली एक्स प्लस वाई प्लस जेड राइट करो देन एडिशन के लॉजिक कितनी बार रिपीट हो रहा है, टू टाइम्स. तो रिपीट ना करके आप रीयूज करोगे बाय यूजिंग एज अ फंक्शन. राइट डाउन क्या करेंगे, एक्स एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट, वाई एज अ सेकेंड आर्गुमेंट, जेड एज अ थर्ड आर्गुमेंट. इसे सिक्वेंस सेम होना कंपलसरी, इट इज अ ऑप्शनल. दूसरा केस, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर. डिविजन 3 से हो रहा, 3 का भी टाइप क्या है, ऑल्सो इंटीजर. इंटीजर इंटीजर का रिजल्ट भी किस फॉर्म में आएगा, ऑल्सो इंटीजर. जब रिजल्ट इंटीजर फॉर्म में आ रहा है, रिटर्न टाइप फ्लोट यूज करने की जरूरत नहीं है. देन आप चाहते क्या, इसमें रिजल्ट किस फॉर्म में लाना, मुझे डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में. तो इसमें से कोई भी एक ऑपरेंड डेसिमल में या फ्लोट या डबल में कन्वर्ट करना कंपलसरी, या तो आप टाइप कास्टिंग यूज करोगे या फिर लाइक दैट 3.0 एफ और 3.0 फर्स्ट ऑपरेंड इंटीजर, सेकेंड डबल. रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, डबल. डबल टाइप का रिजल्ट फ्लोट टाइप के फंक्शन से रिटर्न कराना पॉसिबल, या तो रिटर्न टाइप का यूज करोगे ऑल्सो डबल. इसी यूज क्या कर सकते हैं इसके, इसमें डबल. अगर आप फ्लोट भी यूज करो इससे कोई मिस्टेक नहीं होगा, देन रिटर्न रिजल्ट लाइक दैट. देन मेन फंक्शंस, मीन्स एक्चुअल एवरेज कैलकुलेट कहाँ कराना, इनसाइड बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस. तो सेपरेटली एक और फंक्शन क्रिएट किया समथिंग मेन, सम वेरिएबल्स आर पी इक्वल्स टू 10, क्यू इक्वल्स टू 20 एंड आर इक्वल्स टू 30 एंड इसका रिजल्ट स्टोर कराने के लिए यूज करें सम एक्स्ट्रा वेरिएबल एज आर ई एस. नेक्स्ट वन, फाइनली रिजल्ट इक्वल्स टू कॉलिंग एवरेज फंक्शंस. सप्लाई क्या करेंगे इसके अंदर, पी क्यू आर, देन डिस्प्लेइंग रिजल्ट. रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज कर लेंगे एज अ प्रिंट एफ, डिस्प्लेइंग रिजल्ट एज
रिजल्ट का टाइप क्या है, इसमें वन मोर थिंग्स, जिस फंक्शंस को कॉल करें इसका रिटर्न टाइप क्या है, डबल, जिससे किस टाइप का वैल्यू रिटर्न होने के चांस है, डबल। तो डबल टाइप का वैल्यू स्टोर कराने के लिए रिजल्ट वैल्यू का भी टाइप क्या होना चाहिए, ऑल्सो डबल नॉट अ इंटीजर। इस केस में रिजल्ट वैल्यू को सेपरेटली क्रिएट करूँ मैं एज अ फ्लोट और डबल, इस डबल टाइप का वैल्यू फ्लोट वैल्यू में असाइन करना पॉसिबल है रिजल्ट के बेस पर क्या आएगा, परसेंट डी, सॉरी रिजल्ट का टाइप फ्लोट है इसलिए यूज करें परसेंट एफ एंड आर ई एस। देन इस केस में अगेन चेक करें पर्टिकुलर प्रोसेसिंग इस फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट किस टाइप से प्रोसेस हो रहा है। अभी नॉर्मल स्टैक डायग्राम शो कर रहा हूं इस केस में, हाईलाइटिंग स्टैक डायग्राम, सम ब्लॉक्स। इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसका रिटर्न टाइप यूज कर रहा हूं एज इंटीजर, प्लस रिजल्ट का भी टाइप क्या यूज होगा, ऑल्सो इंटीजर टाइप इंटीजर। नेक्स्ट वन, अब रिजल्ट का भी टाइप क्या ले सकते हैं इस प्लेस पर, ऑल्सो इंटीजर, मीन्स रियल प्रोसेस के अकॉर्डिंग टाइप क्या लेना चाहिए आपको, फ्लोट। लेकिन इस केस में रिजल्ट का टाइप इंटीजर कंसिडर करने से डायग्राम एक्सप्लेन करने में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। इन दैट केस टू टू बाइट्स के ब्लॉक्स अवेलेबल। सबसे पहले कॉलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा, फ्रॉम मेन फंक्शन। जब मेन फंक्शन कॉल होगा मेमोरी एलोकेट करेंगे लोकल वेरिएबल ऑफ द मेन फंक्शंस, वन टू थ्री फोर, फोर लोकल वेरिएबल्स अवेलेबल हैं पी क्यू आर आर ई एस। इसे फोर वेरिएबल्स क्रिएट किसके लिए, कॉल के क्रिएट किसके रिस्पेक्ट में, इन साइड बॉडी ऑफ मेन। नेक्स्ट वन, मेन फंक्शंस के अंदर पी क्यू आर एस में असाइन कर रहा करेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 10, 20, 30 एंड रिजल्ट का इनिशियल वैल्यू क्या है, गार्बेज। नेक्स्ट वन, थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कॉल क्या हो रहा है, एवरेज। जब एवरेज फंक्शन कॉल होगा तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, इट्स बॉडी ऑफ फंक्शन एवरेज, मीन्स हेडर सेशन। हेडर सेशन में जब एवरेज फंक्शन स्टोर होगा तो इसके अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट कराएंगे लोकल वेरिएबल ऑफ एवरेज। देयर आर फोर लोकल वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड रिजल्ट। एवरेज फंक्शन के रिस्पेक्ट में टोटल वेरिएबल्स कितने एलोकेट कराएंगे स्टैक के टॉप में, दिस इज द मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल्स ऑफ एवरेज एक्स वाई जेड एंड अगेन रिजल्ट। एक्स में कैसा होगा, फर्स्ट वैल्यू फंक्शन कॉल हो रहा फर्स्ट प्लेस पर, पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, वैल्यू ऑफ पी विच इज 10, क्यू के प्लेस पर पास करेंगे वैल्यू ऑफ क्यू विच इज 20, आर के प्लेस पर वैल्यू ऑफ आर विच इज 30, मीन्स 10, 20, 30। फर्स्ट वैल्यू आसान होगा करेस्पॉन्डिंग पैरामीटर एक्स, वाई के केस में 20, जेड के लिए क्या आसान हो रहा है 30। देन रिजल्ट का कोई वैल्यू आसान नहीं हुआ है। देन नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट सिक्वेंस क्या, 3 देन 4 देन 5 देन 6। सिक्स्थ केस में परफॉर्म क्या हो रहा है, अगेन इन केस ऑफ सिक्स्थ स्टेटमेंट, जब तक इस केस में एडिशन फंक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो जाता डिवीजन ऑपरेशन पॉसिबल नहीं, तो उसके बाद इमीडिएटली अब कॉलिंग किसके लिए परफॉर्म होगा, एडिशन फंक्शन, मीन्स मेन फंक्शन ने, मेन फंक्शन ने कॉल किसको किया, एवरेज को, और एवरेज इटसेल्फ किसको कॉल कर रहा है एज अ असिस्टेंट एडिशन फंक्शंस। तो एडिशन केस में जब एडिशन फंक्शन कॉल होगा तो एक्स के प्लेस पर क्या पास होगा, वैल्यू ऑफ एक्स, इनसाइड एवरेज फंक्शन एक्स का वैल्यू क्या है 10, वाई के प्लेस पर पास होगा वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू क्या है 20, इनसाइड एवरेज जेड का वैल्यू क्या है डायग्राम में 30। तो फाइनली इस केस में पास किया 10, 20, 30। जब एडिशन फंक्शन कॉल होगा तो एक्स में क्या आसान हो जाएगा, फर्स्ट आर्गुमेंट है 10, वाई में आसान हो जाएगा सेकेंड आर्गुमेंट है 20, जेड के केस में आसान हो जाएगा थर्ड आर्गुमेंट है 30। इस अगेन फिर से परफॉर्म क्या कराएंगे, मेमोरी एलोकेशन ऑफ लोकल वेरिएबल ऑफ द एडिशन फंक्शंस। एडिशन के केस में टोटल लोकल वेरिएबल्स कितने हैं, आई थिंक अगेन 4, एक्स वाई जेड और रिजल्ट। इस वेरिएबल नेम आप सेम भी यूज कर सकते हो, डिफरेंट नेम भी यूज करना पॉसिबल। नेक्स्ट वन, इस केस में फंक्शन कौन सा है, एड मेमोरी एलोकेशन फॉर एक्स वाई जेड और रिजल्ट। एक्स में क्या आसान हो रहा है 10, 20, 30। देन जब बॉडी सेशन एग्जीक्यूट का सीक्वेंस क्या था, किस प्लेस पर कॉल हुआ, सिक्स्थ, देन सीक्वेंस नंबर है 7, देन 8 एलोकेशन ऑफ रिजल्ट 9 के केस में जब एडिशन परफॉर्म हुआ तो एडिशन का रिजल्ट क्या आएगा, इस केस में एक्स का वैल्यू क्या है 10 प्लस 20 प्लस 30, रिजल्ट इज
60 किसमें से आने का इनसाइड वेरिएबल रिजल्ट. देन इस कॉलिंग प्लेस से रिजल्ट के प्लेस पर क्या रिटर्न हुआ वैल्यू ऑफ रिजल्ट विच इज 60 रिटर्न का हुआ 8 से कॉलिंग प्लेस मीन्स कंट्रोल का आएगा 8 से कॉलिंग प्लेस मीन्स ये एडिशन फंक्शन के स्पेस पर कॉल हुआ था इनसाइड बॉडी ऑफ एवरेज. तो कंट्रोल मीन्स जब मेन फंक्शन ने किसने कॉल किया एवरेज को एवरेज ने किसको कॉल किया एडिशन को एडिशन का एग्जीक्यूशन फिनिश होने के बाद कंट्रोल का रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस इसका मतलब एडिशन मीन्स कॉलिंग प्लेस जब कंट्रोल आगे रिटर्न के हुआ 60 इस प्लेस पर रिप्लेस हो जाए हेल्प ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर 60 इज असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट ऑफ एवरेज फंक्शन. तो एवरेज फंक्शन के रिजल्ट वेरिएबल में क्या असाइन हो जाएगा एज अ 60. देन डी एलोकेशन फॉर ऑल लोकल वेरिएबल्स ऑफ एड उसके बाद एवरेज फंक्शन का एग्जीक्यूशन इस प्लेस से कंटिन्यू इसका सिक्वेंस क्या 9 सिक्वेंस नंबर एज 10. देन कॉलिंग प्लेस पर जब कंट्रोल आया इसको सिक्वेंस नंबर दो गया था 11 11 केस में 60 के केस में इस प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ 60 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स नंबर ऑफ इनपुट्स एडिशन डिवीजन क्या आएगा इसका सिंपली 20 इज असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट ऑफ एवरेज वेरिएबल. एवरेज वेरिएबल के रिजल्ट में सॉरी प्रीवियस केस में रिजल्ट में असाइनमेंट नहीं हुआ था यहाँ कॉलिंग प्लेस पर क्या रिप्लेस हुआ था 60 रिजल्ट में अभी तक कोई वैल्यू असाइन हुआ है 60 डिवाइड किससे हुआ 20 इसलिए रिजल्ट में डायरेक्टली क्या असाइन हुआ 20 नॉट अ 60 असाइन क्या हो रहा है स्पेस पर रह जा 20. देन एवरेज फंक्शंस के ऑल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है 12 केस में रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न के प्लेस पर रिजल्ट के प्लेस पर क्या आएगा 20 प्लस अगेन रिटर्न स्टेटमेंट कंट्रोल का सेंड करेगा 8 कॉलिंग प्लेस मीन्स दैट वन कॉलिंग प्लेस पर सीक्वेंस क्या है इसका 12 के बाद सीक्वेंस नंबर है 13 कॉलिंग प्लेस पर एवरेज फंक्शन ने रिटर्न क्या कराया 20 इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा ऑल्सो 20 सन हो जाएगा रिजल्ट वेरिएबल ऑफ मेन मेन के रिजल्ट में भी क्या सन हो जाएगा ऑल्सो 20 प्लस डी एलोकेशन किसके लिए हुआ है लोकल वेरिएबल ऑफ एवरेज. उसके बाद मेन फंक्शन में सीक्वेंस क्या 30 के बाद क्या 40 के अकॉर्डिंग अगर प्रिंट से डिस्प्ले किया जाएगा वैल्यू ऑफ रिजल्ट फाइनली इस केस में आउटपुट क्या प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ रिजल्ट और रिजल्ट का वैल्यू क्या करंटली वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज 20 मीन्स इस केस में इंपोर्टेंट केस क्या था फंक्शन चेनिंग के फॉर्म में फंक्शन किस टाइप से प्रोसेस हो रहा है चेक इट स्टैक का प्रॉपर्टी क्या रहता है लीफो प्रॉपर्टी लास्ट इन फर्स्ट आउट सबसे पहले पुश एंट्री किसके लिए हुआ मेन फंक्शंस के लिए उसके बाद एवरेज उसके बाद एडिशन मीन्स फंक्शन जिस ऑर्डर में स्टैक के अंदर एंटर होंगे जस्ट रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूशन फिनिश होगा रिवर्स ऑर्डर में जिस फंक्शंस का एंट्री सबसे पहले हुआ उसका डी एलोकेशन सबसे बाद में हुआ मीन्स सबसे पहले कॉल कौन सा फंक्शन हुआ था मेन देन कॉलिंग किसके लिए हुआ एवरेज देन कॉलिंग किसके लिए हुआ एडिशन उसके जस्ट बाद एग्जीक्यूशन सबसे पहले किसका फिनिश हुआ है एडिशन देन सेकंड केस में एग्जीक्यूशन किसका फिनिश हुआ एवरेज और थर्ड केस में एग्जीक्यूशन किसका फिनिश हुआ मेन मीन्स एग्जीक्यूशन जस्ट रिवर्स ऑर्डर में कंप्लीट होगा स्टैक के अंदर सबसे पहले एग्जीक्यूशन किसका फिनिश होगा जो फंक्शन टॉप में स्टोर है टॉप ऑफ द फंक्शन सबसे पहले टॉप में क्या था एडिशन इसलिए एडिशन का एग्जीक्यूशन सबसे पहले फिनिश हुआ एडिशन के बाद स्टैक के टॉप में कौन सा फंक्शन था एवरेज इसलिए एग्जीक्यूशन एवरेज फंक्शन के लिए फिनिश हुआ नेक्स्ट फाइनली मेन फंक्शंस.